नॉर्थ कोरिया पर हाल ही में यूएन और अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए थे उसका चीन ने भी समर्थन किया है, जिसके बाद अमेरिका ने इसके लिए चीन की तारीफ भी की थी। इस बीच एशियन स्टडीज के एक डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि चीन का नॉर्थ कोरिया का विरोध स्थायी नहीं है। उनके अनुसार चीन हाल ही में नॉर्थ कोरिया के जिन प्रतिबंधों का समर्थन कर रहा है उसमें शी जिनपिंग सरकार के हित छुपे हुए हैं। टोक्यो के टेंपल यूनिवर्सिटी में एशियन स्टडीज के डायरेक्टर जेफ्री किंगस्टन ने कहा कि अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा कर रहे हैं, जिसके चलते शी जिनपिंग नवंबर में होने वाली ट्रंप की यात्रा को सफल बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसको लेकर चीन ने समर्थन करते हुए मीडिया में एक बहुत बड़ा कदम और बहुत महत्वपूर्ण दबाव जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि मैं चीन को कहना चाहता हूं कि नॉर्थ कोरिया के साथ सभी बैंकिंग रिश्तों को खत्म करें। ट्रंप के इस बयान के बाद चीन ने बीजिंग में स्थित नॉर्थ कोरियाई बैंकों को बंद करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि चीनी सरकार इसी महीने होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस से पहले अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मुद्दों को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है। इस संबंध में सिंगापुर की येल NUS कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर चिन हुआ हुआंग ने कहा कि चीन के इन प्रतिबंधों का समर्थन करना कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव को कम करना है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात है कि नॉर्थ कोरिया 2006 से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और अमेरिका ने हमेशा इसका विरोध किया है। वहीं दूसरी ओर चीन ने इससे पहले कभी भी नॉर्थ कोरिया की हरकतों को गलत नहीं ठहराया। इस बार हालात कुछ समय के लिए चीन के साथ नहीं है, जिसके कारण कम्युनिस्ट सरकार नॉर्थ कोरिया का विरोध कर रही है। टीम इंडिलिंक्स।